हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जिला कलेक्टर शीतला पटले पहुंची नगर निगम नव निर्वाचित पार्षद को दिलाई शपथ। नर्सेज एसोसिएशन ने कहा उनके लिए भी लागू की जाए पुरानी पेंशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सुनील ग्रुप ने शुरू किया अश्मित ऑटोमोटिव्स एथर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का शोरूम पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने किया उद्घाटन। और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे तेज अधिकारी कर्मचारी संगठन इस बार मांग पर अड़े। नमस्कार सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला कलेक्टर शीतला बटले बुधवार को नगर पालिक निगम पहुंची। नगर निगम सभा कक्ष में वार्ड नंबर 42 के नवनिर्वाचित पार्षद संदीप सिंह चौहान को जिला कलेक्टर की मौजूदगी में पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महापौर विक्रम महाके नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह उपस्थित थे। नवनिर्वाचित पार्षद ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आम जनमानस की सेवा करने की बात कही। इस अवसर पर नगर निगम क्षेत्र के पार्षद जनप्रतिनिधि एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर जी से निवेदन है कि संदीप जी का स्वागत, माननीय कलेक्टर महोदया से निवेदन, आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीय संदीप सिंह चौहान जी का स्वागत विजय पांडे जी से निवेदन है कि संदीप सिंह चौहान जी का। नगर पालिक निगम में बुधवार को मेयर एंड काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर विक्रम आहाके ने की। बैठक में नगर पालिक निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो और कमिश्नर राहुल सिंह के साथ सभी विभागों के सभापति और पार्षद मौजूद थे। इस बैठक में शहर विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारी भी वो रहेंगे जिनका विषय है, केवल कोई अधिकारी नहीं। पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए छिंदवाड़ा जिला भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की ओर अग्रसर हो चुका है। इसी श्रृंखला में सुनील ग्रुप द्वारा अश्मित ऑटोमोटिव्स एथर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, विशेष अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर विक्रम महाके, एथर कंपनी के आकाश चौधरी, जॉयजी चक्रवर्ती, सुनील ग्रुप के CEO बलदेव मिगलानी, सुनील ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शोभित मिगलानी और बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। एथर कंपनी के अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हाइब्रिड एल्यूमिनियम और स्टील बॉडी से बनाई गई थी। इसे दो वेरिएंट में बनाया गया है, एक 450X और दूसरा 450X प्रो। ये दुनिया की पहली EV टू व्हीलर है जिसमें गूगल मैप डिस्प्ले दिया गया है। इसमें राइडिंग के 4 मोड दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 6 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए अश्मित ऑटोमोटिव्स एथर शोरूम कुलदेवी प्लाजा के पास परासिया रोड छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
खबरों में यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। नय्यर फर्नीचर एवं नय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स, नय्यर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नय्यर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नय्यर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नय्यर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नर्सेज एसोसिएशन द्वारा बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों ने मीडिया को बताया कि उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी नर्सों को दिया जाना चाहिए, वे अभी तक इससे महरूम है। शासकीय नर्सों का कहना है कि उनके लिए ओल्ड पेंशन पुनः बहाल की जाए, जिससे कर्मचारियों के बुढ़ापे में पेंशन एक सहारा बन सके। वर्षों से लंबित नर्सों की पदोन्नति फिर से शुरू की जाए और नर्सों को भी डेजिग्नेशन प्रमोशन मिले। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी इन मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो आगामी समय में नर्सेज एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा और काम बंद किया जाएगा। इसको अपनी आयोजित नियोजित 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश की 50,000 नर्सेज के साथ आंदोलन किया जाना था। इसी दौरान माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप व समझाइश के उपरांत आंदोलन दिनांक 7 अगस्त 2021 को वापस ले लिया गया। माननीय न्यायालय ने शासन और प्रशासन के को नर्सेज की मांगों पर विचार व निराकरण करने हेतु नर्सेज एसोसिएशन 11720 के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बिठाकर एवं समिति के गठन हेतु निर्देशित किया था, परंतु नर्सेज की मांगों का निराकरण न होने के कारण नर्सेज एसोसिएशन 11720 मध्य प्रदेश में दिनांक 20/9/2021
को शासन और प्रशासन के ऊपर अवमानना का केस दायर किया था, परंतु आज दिनांक तक कोई नतीजा नहीं निकला, सुनी ही रहा। मध्य प्रदेश में पदस्थ समस्त नशेष मन में प्रकृता से यह विचार लगातार आ रहा है कि लोकतंत्र में न्याय तथा न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वमान्य है। वहीं मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालय के आदेश की बार बार अवहेलना करना कतई न्यायोचित नहीं है। पुनः पूरी आशा और विश्वास के साथ मध्य प्रदेश में पदस्थ समस्त नर्सेस पूर्ण विनम्रता के साथ अपनी न्यायोचित मांगों का ज्ञापन प्रेषित करने जा रही हैं। इस बार हम आशा करते हैं कि आप हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। नर्सेज एसोसिएशन 11720 क्रमांक, नर्सेज एसोसिएशन 792/10 दिनांक 21/6/2021 की छाया प्रति सौंप रही है, और हम लोगों की मांगे ये हैं, उक्त मांगों का निराकरण समय सीमा पर किया जाना था। उच्च स्तरीय, पहला है उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्य समस्त नर्सेस को दिया जाए, परंतु अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, वर्षों से लंबित पड़े पदोन्नति को शुरू करते हुए नर्सेस की पदोन्नति की जाए और नर्सेस को डिजिग्नेशन प्रमोशन दिया जाए। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को कलेक्टेड रेट पर मानदेय दिया जाए, लगभग 18,000 रुपये प्रतिमाह। पांचवा ये है, आप लोग जरूर इसमें जोड़ लीजिएगा, परिस्थितियों वश ये आप लोग जरूर जोड़िए, परिस्थितियों वश आंदोलन की रूपरेखा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्यों क्योंकि उस हिसाब से एक क्वेश्चन ये है कि प्रदेश के दूसरे जिलों में नर्सेस हड़ताल पर हैं, तो उस संबंध में छिंदवाड़ा जिले में हड़ताल की क्या स्थिति उस बारे में बताइए। हम लोगों ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम लोगों के कोर्ट केस चल रहा है, इस कारण से हम लोगों ने ये आंदोलन नहीं किया है। हम लोग न्यायालय के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, न्यायालय जो हम लोगों के पक्ष में देंगे उसी के हिसाब से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। हाँ, हमारे कल ही ये यूनियन गठित किया गया है, कल ही बना है, हम लोगों को नहीं मालूम है, वैसे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे ही व्हाट्सएप में पढ़ा था जो कि कल ही गठित किया गया है, और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना मुझे बताया गया है इस बारे में, पता नहीं मुझे हड़ताल में है कि नहीं, क्योंकि वही बताएंगे। पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को आंदोलन का बिगुल बजाया। कर्मचारी ने रैली निकालकर प्रदेश शासन के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट ग्राउंड में एकत्र हुए और रैली के रूप में बाबा साहेब की प्रतिमा तक पहुंचे, जहां माल्यार्पण कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश गोंडाने ने कहा कि प्रथम चरण में 24 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर शासन को ध्यान दिलाया गया है। 11 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसके पश्चात भी अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन भोपाल में होगा, जो 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, और इसके बाद कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अधिकारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारी 24 सूत्री मांगों के संबंध में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांग है, जिसके लिए हम विगत कई वर्षों से लड़ रहे हैं और वर्तमान में हमारी लड़ाई निरंतर जारी है, पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनांक से हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश शासन से यही विनती है कि सारे प्रदेशों ने जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उन प्रदेशों ने पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है। हमारा भी निवेदन है कि चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के आधार पर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करें। इसके अतिरिक्त जो हमारी 7 सालों से पदोन्नति अधिकारी कर्मचारी को रुकी हुई है, उस पदोन्नति को के आदेश भी जारी किए जाए। हमारी अन्य संवर्गों की जो मांगे है काफ़ी समय से लंबित है, महंगाई भत्ते की जो किस्त है उसका अभी भुगतान के आदेश नहीं हुए, ना एरियर भुगतान के आदेश हुए हैं,
हमारे गृह भाड़ा भत्ते के आदेश नहीं हुए, हमारे दैनिक वेतन, संविदा कर्मचारी, लिपिक साथी जो हमारे उनकी ग्रेड पे का मामला है, उनके समयमान वेतन मान का मामला है, उनके CPCT में छूट का मामला है, इसी तरह वन, स्वास्थ्य विभाग, दैनिक वेतन भोगी, पुलिस विभाग, सभी मतलब सभी संवर्ग जितने हैं संवर्ग सभी की मांगे शासन स्तर पर लंबित है। हमारा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध है कि कर्मचारियों की मांगे शीघ्र पूर्ण करें। आज ये आंदोलन का पहला चरण था, अगर 11 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 11 अगस्त को पुनः एक दिन का अवकाश लिया जाकर पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा, पूरा जिला बंद किया जाएगा, और 11 अगस्त को भी हमारी मांग नहीं होगी तो तीसरा चरण जो 11 सितंबर को भोपाल में प्रदेश स्तरीय व्यापक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और उसके पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम अग्रसर होंगे। मध्य प्रदेश शासन से पुनः हमारा आग्रह है कि कर्मचारियों की मांगे पूर्ण करें। हमारे बुढ़ापे की लाठी जो हमारी पेंशन है, जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं आज की स्थिति में 700-800 हज़ार रुपये के अंदर उनको पेंशन मिल रही है, शासन उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, यही हमारी शासन से विनती है। धन्यवाद। शहर में जर्जर भवनों को लेकर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है और अब ताबड़तोड़ कार्यवाही भी जारी है। मंगलवार को एक ही दिन में 4 जर्जर मकानों को जमींदोज किया गया। नगर निगम आयुक्त के आदेश पर हुई इस कार्यवाही के बाद जर्जर भवनों को ढहाने में बहानेबाजी करने वाले मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम द्वारा पिछले दिनों 15 जर्जर भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन एक भी भवन स्वामी ने न तो सुधार कार्य किया और न ही जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्यवाही की। आयुक्त राहुल सिंह ने जर्जर मकानों का निरीक्षण करते हुए तुरंत ही कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद हरकत में आए निगम अमले ने शहर के अलग अलग वार्ड के 4 मकानों को गिरा दिया। निगम ने शहर के वार्ड नंबर 13, 14, 23 और 26 में ये कार्यवाही की। लगभग भवन अधिकारी एवं उनकी टीम ने लगभग 15 भवन चिन्हांकित किए हैं, उनमें से भौतिक सत्यापन भी चल रहा है और लगभग 4 पे उन्हें कार्रवाई भी कर दी है जो कि अति जीर्ण अवस्था में थे, जो कभी भी दुर्घटना हो सकती थी उसमें, उनको आज उनका जर्जर भवनों का वो करा। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहाँ आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पटवारी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए NSUI ने बुधवार को मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। NSUI के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही चक्का जाम भी किया। NSUI के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ग्वालियर के कॉलेज द्वारा पटवारी परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है, जो बेहद गंभीर है। आज हमारा जिला NSUI के द्वारा जो पटवारी परीक्षा पुनः भी कुछ दिन पूर्व जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें जो हुई धांधली के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन था। हमने सरकार का पुतला दहन कर और यहाँ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य मामला ये था कि जो पटवारी परीक्षा हुई इसमें एक NRI कॉलेज जो ग्वालियर का है वहाँ पे लगभग 9000 बच्चों में से 1000 बच्चों का सिलेक्शन NRI कॉलेज ग्वालियर से होता है। उसके बाद जो टॉप टेन जो बच्चे हैं, टॉप टेन में से टॉप सेवन बच्चे NRI कॉलेज से आते हैं। जो टॉप सेवन बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं कि जिनको इंग्लिश के पेपर में जो 25 नंबर का होता है, 25 नंबर में से उन्हें 25 नंबर दिए जाते हैं, मगर हस्ताक्षर हिंदी में करी जाती है और कोई एक ही व्यक्ति करता है। तो इससे सीधा सीधा साफ साफ नज़र आता है कि इसमें बहुत बड़े लेवल में धांधली हुई है। तो आप मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि व्यापम घोटाला जो हुआ है इसका तो सिर्फ नाम बदला गया है। ये परीक्षा का पहले इन्हें पी भी किया है, अभी और कुछ और नाम कर दिया है, नाम बदल रहा है, मगर घोटाला लगातार जारी है। और यदि इसकी पटवारी परीक्षा पुनः नहीं कराई जाती है और इसकी CBI जांच नहीं करवाई जाती है तो अभी तो छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई है, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और जिले भर के और प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राएं सड़क पर आएंगे। अजय ठाकुर, NSUI जिलाध्यक्ष, छिंदवाड़ा। इसी क्रम में नगर युवक कांग्रेस ने भी बुधवार को शहर के फवारा चौक पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष टीनू धारू ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत कराई थी, मगर प्रदेश शासन ने इसका बजट आधा कर दिया। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को छिंदवाड़ा से छीन लिया गया है। इसी के विरोध में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आगे भी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज युवा कांग्रेस ने जो मेडिकल कॉलेज में जो बजट माननीय कमलनाथ जी ने 1654 करोड़ का स्वीकृत किया था उसे शिवराज सिंह चौहान ने आधे से भी आधा कर दिया है। और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कमलनाथ जी ने स्वीकृत कराई थी उन सभी को, जैसे हृदय रोग, कैंसर रोग, न्यूरोलॉजी, इन सभी को कमलनाथ जी ने जो स्वीकृत कराया था इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा की जनता से छीन लिया। ये छिंदवाड़ा की जनता के साथ दुर्व्यवहार है और इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और हम जनता से आग्रह करते हैं, भाजपा के नेताओं से भी हम सवाल करना चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं। युवा कांग्रेस अगर हफ्ते भर में इसका कोई निष्कासन नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस चक्का जाम करेगी और अगर मुख्यमंत्री आते हैं इनके तो उनका शांतिपूर्ण विरोध करेगी। नगर निगम एवं नगर पालिक कर्मचारी संघ द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर
चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में कटौती बंद करने, सामुदायिक संगठनों को निर्धारित वेतनमान प्रदान करने जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर में इन दिनों हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर चरणबद्ध रूप से यह आंदोलन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। छिंदवाड़ा नगर निगम में लगभग 1420 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वहीं जिले के 16 नगरीय निकायों में लगभग 5200 कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराए गए, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य को प्रेषित किया गया है। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज नगर निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न 5 मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसी श्रृंखला में आज हमने नगर निगम छिंदवाड़ा में भी समस्त कर्मचारियों से हस्ताक्षर करवाए और हस्ताक्षर की 5 प्रतियां आज हम रजिस्ट्री करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय एवं श्रीमान आयुक्त महोदय नगरी प्रशासन को ये 5 रजिस्ट्रियां आज हम करने जा रहे हैं। और ये 5 रजिस्ट्री करने के पश्चात भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता तो मध्य प्रदेश के समस्त नगरी निकाय कर्मचारी 1 अगस्त को भोपाल पहुंचकर संचालनालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगरी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। सुनील राजपूत, प्रांतीय सचिव, मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना और महिला और बाल विकास विभाग के सभापति सहित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभागीय योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बच्चे पैदा होते हैं वो भी थोड़े गंभीर होते हैं, कम वजन के होते हैं। इस समय बहुत बच्चे सर, हर बेड पे 3-3 बच्चे हैं। और वही तो कितने हैं अपने टोटल, कितने सर अपने यहाँ पे टोटल 20 बेड का एसएनसीयू है अभी। नहीं, ये तुम्हारे यहाँ पे ना? हाँ सर। नहीं, हम तो पूरे जिले की बात कर रहे हैं। जिले में 4 ब्लॉक हैं। पूरे जिले में कितने कार्यरत हैं? सर 4 ब्लॉक हैं ऐसे जहाँ एनबीएसयू फंक्शनल है। तामिया 1 है, सौसर 1 है। लिवर रूम से भी बहुत दूर में किया जा सकता है, जो प्रसव कक्ष होता है ना, जहाँ सीजर होते हैं और नॉर्मल डिलीवरीज होती है, उसका और एसएनसीयू का डिस्टेंस भी आप बहुत ज्यादा दूर नहीं रख सकते। क्योंकि इसका भी कारण है कि अगर आप बच्चे को तुरंत वहाँ शिफ्ट करेंगे तो बच्चे ठंडे पड़ जाएंगे। ऐसे इनके जैसे अभी नहीं है, ऐसे कितने टोटल आपने कितने हैं? पूरे हैं 4-4-8 और ये 16 और 5-10-17-21 और ये 27 43 के अंदर कार्यरत है। प्रसव के अभी एक्टिव है, एक्टिव है कि जहाँ पे इसमें से कोई इनएक्टिव में सभी एक्टिव। और इसमें कितने बेड की सुविधा है हमारे पास? ये नहीं, इसके अंदर तो ये रहता है ना सर अपना, जैसे कि अमरवाड़ा है, अमरवाड़ा में कितने बेड से अपने सर? 30 बेड से है। 30 बेड पूरा पूरा फुल कैपेसिटी के साथ चालू है अमरवाड़ा में? जी सर। नहीं सर, वो 30 बेड जो रहता है उसके अंदर 10 बेड ही जो रहता है वो इसके अंदर रहता है, गायनी सेंटर उसमें देखते हैं, तो 10 ही का अपना उसमें आंकड़ा माना जाता है। बाकी तो धर्मस्थली छोटी बाजार से बड़ी माई के कार सेवकों का एक जत्था पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा पर निकला है। यह जत्था विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए वृंदावन धाम पहुंचा। वृंदावन धाम में गुरुदेव प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लिया। पूरी रात जाग कर गुरुदेव के दर्शन कर जत्था आगे बढ़ा। इस जत्थे में गौरव सोनी, मयंक चौरसिया, लोकेश विश्वकर्मा, समकित जैन, विपिन पांडे, नयन चौरसिया, गगन विश्वकर्मा और आकाश सोलंकी शामिल हैं। ये सभी कार सेवक श्री बड़ी माता मंदिर निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री बड़ी माता जय श्री चौबेवा। हम 8 तारीख को श्री अमरनाथ जी के दर्शन हेतु निकले थे और हमने वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी के दर्शन के बाद पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर हम सभी साथियों ने पुण्य लाभ कमाया। जय श्री बड़ी माता, जय श्री चौबेवा। हमारे बड़े भैया श्री मयंक चौरसिया जी, हमारे बड़े भैया विपिन पांडे जी, नयन चौरसिया जी, गोलू सोनी जी, गगन सोनी जी, गगन विश्वकर्मा जी, आकाश सोलंकी जी के द्वारा सभी ने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन पाए, हम सब धन्य हो गए। जय श्री बाबा अमरनाथ जी।
जय श्री बड़ी माई, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा अरवानी, जय बाबा अरवानी। सावन के पवित्र मास पर शहर में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। इसी क्रम में छोटी बाजार स्थित साहू निवास पर महामणि स्फटिक शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। वाराणसी से पधारे श्री बटुक देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा प्रतिदिन विधि विधान से स्फटिक शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट वनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज, रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जिला कलेक्टर शीतला पटले पहुंची नगर निगम, नवनिर्वाचित पार्षद को दिलाई शपथ। नर्सेज एसोसिएशन ने कहा उनके लिए भी लागू की जाए पुरानी पेंशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सुनील ग्रुप ने शुरू किया अश्मित ऑटोमोटिव्स एथर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का शोरूम, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने किया उद्घाटन। और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे तेज, अधिकारी कर्मचारी संगठन इस बार मांग पर अड़े। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।